हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल नेचर इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूँगी हिबिस्किस प्लांट के बारे में कि हम गर्मियों में इसके कैसे देखभाल कर सकते हैं और अपने प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए, ये मेरा गुलाबी रंग के हिबिस्कस का प्लांट है। तो ये देखिए, इसमें हमारे गुलाबी रंग का फूल खिला हुआ है। और फ्रेंड्स, ये जो गुड़हल का प्लांट होता है, ये कई कलर में और कई वैरायटियों में मिलते हैं। तो मेरे पास ये गुलाबी रंग का और ये एक ऑरेंज कलर का और एक ये है ये रेड कलर का। तो मेरे पास ये तीन कलर के प्लांट हैं, मगर अभी देखिए इसमें जो फ्लावरिंग हो रखी है वो गुलाबी कलर के फूल में हो रखी है। और आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लावर है, देखिए कितना बड़ा खिला हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर हम बात करते हैं इनके केयर के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट होता है, वैसे तो ये एवरग्रीन प्लांट होता है और हर सीज़न में इसमें फ्लावरिंग होती है, मगर जो ये गर्मियों का सीज़न होता है, समर का, तो इसमें ये क्या होता है, ये ग्रोइंग सीज़न होता है इनका। और इस टाइम पे ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, बस उसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है इनके ऊपर। और ये जो प्लांट होता है बड़ा सेंसिटिव होता है और ये बहुत केयर मांगता है। जैसे गुलाब का पौधा है, केयर मांगता है, ऐसी ये भी प्लांट बहुत केयर मांगता है अपने डेली बेसिस पे। तो इसका हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, वो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें जो इसकी सॉयल है उसके ऊपर ध्यान देना है कि जो इसकी जो सॉइल है, एक तो वेल ड्रेंड होनी चाहिए कि उसमें कोई पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर उसमें पानी रुकता है तो हमारा ये पौधा ख़राब हो सकता है और इसकी जड़ें मतलब गल सकती हैं और हमारा पौधा मर भी सकता है। तो उसके लिए सॉइल जो है वो वेल ड्रेंड होनी चाहिए और एसिडिक होनी चाहिए। इसको एसिडिक सॉइल बहुत पसंद है। और जो सॉइल है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए, हमेशा उसमें नमी बनी रहनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए। अगर ज़रा से भी ड्राई हो जाता है हमारा प्लांट तो ये जो प्लांट है ये ग्रोथ नहीं करता और एकदम इसके पत्ते मुरझा से जाते हैं। और फ्रेंड्स, इनके सनलाइट की बात करें तो इनको मतलब सनलाइट बहुत पसंद होती है और इसके जो फ्लावर हैं वो धूप में ही खिलते हैं। और ये नहीं कि अब जैसे गर्मियाँ हैं तो हम इनको 8 घंटे की फुल धूप दें। इस टाइम जो गर्मियाँ हैं वो बहुत तेज़ होती है, धूप जो होती है बहुत तेज़ होती है, तो इसलिए इसको हम अगर 5 घंटे भी धूप देते हैं तो हमारा पौधा अच्छे से ग्रो करता है और फ्लावरिंग अच्छी करता है। अगर हम शेडी एरिया में रख देते हैं तो शेडी एरिया में हमारा प्लांट ग्रो तो करेगा मगर फ्लावरिंग नहीं होगी उसके अंदर, और धूप में रखते हैं तो इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो आप देख सकते हैं, देखिए मेरे इस प्लांट में कितनी बर्ड्स आ रखी हैं। देखिए, दो यहाँ आ रखी हैं और यहाँ पर भी आ रखी हैं दो। ये देखिए तीसरी आने वाली है और एक देखिए यहाँ पर भी है और एक ये देखिए इसके नीचे भी दिखाती हूँ। ये देखिए इसके नीचे भी है, ये बर्ड्स आ रखी है और ये छोटी सी बर्ड्स है। तो बस अगर हम इस तरह से इनका ध्यान रखते हैं तो इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो सकती है। और रही इसकी फर्टिलाइज़र की बात, तो फ्रेंड्स जो फर्टिलाइज़र है, अगर इसमें हम लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो वो बहुत ही अच्छे होते हैं। उसके लिए हम जो सरसों की खली का पानी है वो 15 दिन में हम इसमें डाल सकते हैं। तो उससे क्या होता है, अच्छी फ्लावरिंग होती है और अच्छी ग्रोथ होती है हमारे प्लांट की। और मैं तो इसके अंदर जो अपना किचन का मेरा वेस्ट होता है, जैसे पील्स होते हैं, जो फलों के पील्स या सब्जियों के पील्स होते हैं, तो उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके और मैं वो लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ। तो उससे जो इनको सभी पोषण जो मिलने होते हैं हमारे, उसी फर्टिलाइज़र में इनको मिल जाते हैं। और सावरिंग भी कर देती हूँ उसी पानी से, क्योंकि अगर हम वो सावरिंग करते हैं तो एक तो इनको न्यूट्रिशंस मिलता है वो सारा, और ऊपर से जब हम इनकी सावरिंग करते हैं तो इनको बहुत ही अच्छा लगता है सावरिंग करना, और पत्ते भी साफ़ हो जाते हैं और फूल वूल जो होते हैं एकदम अच्छे से मतलब खिल से जाते हैं और पत्तों की भी सफाई हो जाती है।
तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इसकी केयर कर सकते हैं। और कंपोस्ट की बात हुई तो फ्रेंड्स, जब इनका ग्रोइंग सीजन होता है शुरू में ही, तो हमें इसके इसमें खाद डालनी चाहिए। और खाद में हम वर्मी कंपोस्ट और गोबर की जो खाद होती है वो, या हम अपने घर में जो किचन वेस्ट से बनाते हैं तो वो हम इसमें डाल सकते हैं। मगर वर्मी कंपोस्ट जो होती है वो इस प्लांट के लिए बहुत अच्छी कंपोस्ट होती है। और जो बनाना पीस का फर्टिलाइजर होता है वो तो इनको बहुत ही पसंद होता है, क्योंकि उसमें पोटाश बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करते हैं। और फ्रेंड्स, एक ये चीज़ की इस पे प्रॉब्लम होती है, वो है कि इसके अंदर इंसेक्ट बहुत लगते हैं, और जो चींटियाँ होती हैं वो भी बहुत जल्दी आ जाती हैं इस प्लांट में। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि 10-15 दिन में हमें इसमें पेस्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। तो उसके लिए हम अगर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं या पेस्टिसाइड होते हैं तो उनसे ये कीड़े दूर तो हो जाते हैं, मगर हमारा जो प्लांट होता है उसमें कहीं ना कहीं कोई साइड इफेक्ट भी होता है। तो अगर हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो उससे हमारे प्लांट में कोई नुकसान नहीं होता। तो उसके लिए हम जो नीम ऑयल होता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। और अगर नीम ऑयल नहीं है तो हम खाली जो लिक्विड सॉप होता है उससे भी हम इस पे स्प्रे कर सकते हैं। तो उससे जो इस पे कीड़े लगते हैं, जो हरे हरे या काले काले से जो होते हैं और सफ़ेद जो मिली बग्स होते हैं वो इन पे लग जाते हैं, तो ये हमारे पौधे की ग्रोथ को रोक देते हैं। और क्या होता है, उससे हमारे पौधे की जो ग्रोथ रुक जाती है तो उस पे बर्ड्स नहीं आती, और कई बार अगर बर्ड्स आ भी जाती है तो वो झड़ के एकदम गिर जाती है। तो इसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए हम उसका स्प्रे कर सकते हैं, नीम स्प्रे। और इस तरह से हम छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारे प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करते हैं और अच्छे से फ्लावरिंग लाते हैं। तो फ्रेंड्स, बस मैं आपको आज यही बताना चाहती थी कि अगर हम गर्मियों में अपने गुड़हल के प्लांट की इस तरह से केयर करते हैं तो हमारे इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। और फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा डबल हिबिस्कस का प्लांट है ऑरेंज कलर का। तो देखिए इसमें भी ये बर्ड्स आ रखी है यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ भी आ रखी है दो बर्ड्स, देख सकते हैं आप। और देखिए इसमें भी आ रही है, ये देखिए इसमें भी है। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये लाल फूल आते हैं इसमें मेरे गुड़हल के। तो देखिए सब में ये छोटी छोटी सी बर्ड्स आ रही हैं, ये देखिए इस तरफ भी है, इधर भी है, ये देखिए इसके अंदर भी है, ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पर तो आई रखी है ये बर्ड्स, ये देखिए। तो ये लाल रंग का मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, और ये पिंक कलर का है, और ये ऑरेंज कलर का है, ये डबल हिबिस्कस है। तो फ्रेंड्स, बस आप भी इस तरह से अपने प्लांट की ध्यान रखते हैं तो आप में के प्लांट में भी अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको कोई इससे इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।